क्या आपको पता है कि जो चमगादड़ होते हैं वो सिर्फ उल्टे क्यों लटके रहते हैं, मतलब हमारे पास जैसे दो पैर होते हैं ठीक उसी तरीके से उनके पास भी दो पैर होते हैं, लेकिन वो चलते क्यों नहीं, मतलब चलते हुए क्यों नहीं दिखाई दिखाई देते हैं हमें, या फिर कहीं पे बैठे हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं, हमेशा उल्टे ही लटके रहते हैं कहीं ना कहीं पे। तो इसका कारण जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो विदाउट एनी बकवास लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 20, जब कुत्ते भौंकते हैं तो हमारे देह में एक अलग सी सिहरन हो जाती है, एक डर उत्पन्न हो जाता है कि कहीं कुत्ते हमें काट ना ले। लेकिन आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि दुनिया में एक ऐसा भी कुत्ता है जो किसी को काटता नहीं, मतलब वो काट ही नहीं सकता है, बेसांजी डॉग्स जो कि कभी काट ही नहीं सकते हैं। फैक्ट नंबर 19, आपको तो पता ही होगा कि हम ऑक्सीजन, मतलब जब हम ब्रेथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 25% जो ऑक्सीजन होता है वो सिर्फ ब्रेन अकेले ही यूज करता है। फैक्ट नंबर 18, जैसा कि आप जानते हो कि आज दुनिया में हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसके लिए हमें करेंसी देने पड़ते हैं, रुपए देने पड़ते हैं सामान के बदले, लेकिन ब्रिटिश जो पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड दुनिया का सबसे पुराना करेंसी है, दुनिया का सबसे पुराना करेंसी है जो आज भी यूज हो रहा है उसका ब्रिटिश पाउंड। फैक्ट नंबर 17, जैसा कि हम जानते हैं कि हम आपस में कैसे बात करते हैं, अपने मुंह से कुछ शब्दों को बोलते हैं, दूसरे आदमी उसको सुनकर समझते हैं और फिर आपस में हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे कि जो लिजार्ड होते हैं वो एक दूसरे से पुशअप्स करके कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर में, तो एक लिजार्ड दूसरे लिजार्ड से पुशअप करके कम्युनिकेट करता है। फैक्ट नंबर 16, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बादल होता है वो अर्थ के एटमोसफेयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन आप जानकर चौंक जाने वाले हो कि जो हमारा अर्थ होता है वह सन के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। क्या आप इस फैक्ट को जानते थे? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 15, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक ईल होता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन आप जानकर चौंक जाने वाले हो कि जो इलेक्ट्रिक ईल होता है वह इतना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है कि वह एक बार में 50 कार को स्टार्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 14, जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उनके बारे में एक बहुत ही रोचक फैक्ट है कि जो वो, जब वह 20 साल के थे तभी से उनका जो दांत था यानी परमानेंट जो टीथ था वह झड़ना स्टार्ट हो चुका था। आमतौर पे ये जब आदमी बूढ़ा होता है तब से ये स्टार्ट होता है, लेकिन उनका 20 साल के थे तभी से उनका दांत झड़ना स्टार्ट हो चुका था, और जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब तक उनके पास परमानेंट जो टीथ था सिर्फ एक ही बचा था। फैक्ट नंबर 13, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के इस मॉडर्न पीरियड में जो सोना यानी जो गोल्ड होता है उसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि जो ओशन होते हैं उसके नीचे 10 बिलियन जो सोना होता है यानी 10 बिलियन टन जो सोना वह प्रेजेंट है सिर्फ हमारे समुद्र के नीचे। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि हम जानते हैं और हम अपने बचपन में भी यह सवाल बहुत बार सुने हुए हैं कि आसमान में कितने तारे हैं, और इस जवाब को भी बहुत बार सुने हुए हैं कि हमारे सर में जितने बाल होते हैं उतने ही आसमान में तारे होते हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि जो आसमान यानी हमारा जो गैलेक्सी है उसमें जितने तारे नहीं है उससे ज्यादा तो हमारे पृथ्वी पर ही पेड़ मौजूद है। फैक्ट नंबर 11, रदरफोर्ड बी हेज दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने मोबाइल फोन यानी कि जो मोबाइल फोन होता है उसका इस्तेमाल किया था, और इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उनका जो मोबाइल नंबर था यानी जो मोबाइल नंबर था वो बहुत ही सिंपल था याद करने के लिए, और वो उसे तो आसानी से बच्चा बच्चा याद कर सकता है, और उनका मोबाइल नंबर था 1 यानी 1। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि आप जानते हो कि आर्यभट्ट जो है जीरो के आविष्कारक है यानी जीरो के आविष्कारक है आर्यभट्ट, लेकिन आप जानकर चौंक जाने वाले हो कि जो जीरो है दुनिया का एकमात्र ऐसा नंबर है जिसको हम लोग रोमन में यानी रोमन नंबर में लिख ही नहीं सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो पैर होता है यानी कि जो ह्यूमन या जो भी जानवर होते हैं उन सभी के पास जो पैर होता है उसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? चलने के लिए करते हैं, दौड़ने के लिए करते हैं, लेकिन आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जो ड्रैगन फ्लाई होता है उसके पास 6 पैर होते हैं लेकिन फिर भी वह चल नहीं सकती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि जो एक ह्यूमन होता है वह अपने लाइफ टाइम में कितना किलो खाना खा जाता है यानी कितना खाना खा जाता है, या फिर जो एक ह्यूमन है जो कितना पानी पी जाता है अपने लाइफ टाइम में? नहीं मालूम है। देखिए, जो एक ह्यूमन होता है वह अपने पूरे जीवन काल में 100 टन
जो खाना होता है वो खा जाता है, और लगभग 45,424 लीटर जो पानी होता है उसे पी जाता है, यानी लगभग 12,000 गैलन पानी वह पूरे लाइफ टाइम में पी जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि जो आपके शरीर में सबसे लंबा यानी सबसे लंबा सेल कौन है, यानी कोशिका कौन है? नहीं मालूम है। देखिए, जो हमारे बॉडी में यानी कि ह्यूमन के बॉडी में सबसे लंबा जो सेल होता है वह होता है हमारा ब्रेन सेल, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, और वो जो है पूरे लाइफ टाइम तक के लिए जीवित भी रह सकता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने लोग मारे जाते हैं सिर्फ ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण? नहीं मालूम है, बताता हूं मैं कि जो दुनिया में लगभग 20 से 50 मिलियन जो लोग हैं प्रत्येक साल मारे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण। तो आप लोगों से मेरी यह गुजारिश है कि आप लोग गाड़ी एक स्पीड लिमिट में रहकर चलाएं और हेलमेट पहन के ही चलाएं। और बात यह है कि अगर आप कार में मतलब सफर कर रहे हो तो सीट बेल्ट लगाकर कार में बैठे, साथ ही साथ वह सभी कदम उठाइए जिससे आपकी जान बच सके और अपने जीवन का सुखद अनुभव कीजिए। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। और क्या आपको पता है कि जो ताजमहल है उसको किसने बनवाया था? आप सोचोगे ये कितना आसान सा सवाल है और आसानी से जवाब दे दोगे, शाहजहां। लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि जो शाहजहां है उन्होंने ताजमहल को बनवाया, आज तक इसका कोई सबूत नहीं है। नंबर 4, जो नंबर 4 होता है वह दुनिया का मात्र एक ऐसा नंबर है जिसकी जो स्पेलिंग होती है, यानी स्पेलिंग क्या होती है 4 की, FOUR, जो 4 होता है यानी F1 O2 U3 and R4, यह ऐसा नंबर है यानी 4 जिसकी जो स्पेलिंग होती है वह भी 4 लेटर की होती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप विज्ञान में साइंस में अपनी रुचि रखते हो तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर चांद यानी मून अगर ना हो तो क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर चांद ना हो तो हमारा जो अर्थ, जैसे आज अर्थ पे कितना देर एक डे होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे कि अगर मून हमारे धरती पर ना हो तो हमारे धरती पर एक दिन जो होगा वह 6 घंटे बढ़कर लगभग 30 घंटे का एक दिन हो जाएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जो इंग्लिश का डिक्शनरी है उसे सबसे पहले कब लिखा गया था? नहीं मालूम है। देखिए, जो इंग्लिश का डिक्शनरी होता है यानी जो अंग्रेजी का डिक्शनरी होता है जिसमें हम लोग अपने शब्दों को खोजते हैं, बहुत सारे जो शब्द होते हैं जो हमें नहीं आते हैं वो हम अपने डिक्शनरी में खोजते हैं, तो वो जो डिक्शनरी है वो सबसे पहले 1755 में रिटन मतलब उसको लिखा गया था इंग्लिश डिक्शनरी को। फैक्ट नंबर 1 से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 1, आखिर क्या बात रही है कि जो चमगादड़ है वह हमेशा उल्टे लटके रहते हैं? आपके दिमाग में भी यह सवाल हमेशा से आता रहा है या आता भी है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जो चमगादड़ होते हैं उनके जो पैर की जो हड्डियां होती है वह उनके शरीर के मुकाबले बहुत ही कमजोर होती है, जो कि उनके शरीर के भार को सह नहीं पाती है, इसीलिए जो चमगादड़ होते हैं वह हर जगह पर उल्टे लटके हुए रहते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो आप तो नॉलेज बांट रहे हो, और नॉलेज जो बांटना एक बहुत ही अच्छा काम है, तो आप क्या कीजिए, नॉलेज बांटते रहिए और नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पे आए और हमारे इस वीडियो को देखें।